हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपकी स्तुति जयजयकार करते हैं। उन सारी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा और आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा है, वो महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु जो हमें सांस दिया। हालेलुया, धन्यवाद करें। बीमारी में हमें बचाता है, हमें संभालता है, हर एक दुर्घटनाओं से हमें बचाता है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस नए साल के दूसरे महीने में प्रभु हमें लेकर आया और उसके हालेलुया फरवरी मध्य परमेश्वर हमें लेकर आया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, और आगे भी संभालेगा प्रभु। हम आपकी स्तुति में तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब में सब कुछ परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। हालेलुया। जितने लोग आज के वचन को सुन रहे, आप सभी परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, परमेश्वर सभी को बहुतायत की आशीष दे। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस में आते हैं, हालेलुया, तो जो बीमारी है, जो परेशानी है, वो सब जाने लगती है जब हम प्रभु के निकट आते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, और जब हम ज्योति के पास आते हैं तो हमारा भी जीवन क्या हो जाएगा, ये ज्योतियों से भर जाएगा। तो ज्योति से भर जाने का अर्थ यह है कि जो अंधकार वाला जीवन है वो सब क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, गॉस्पेल जॉन चैप्टर 1:9, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 9वां वचन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम जब 12वां वचन में पढ़ते कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद। किस पर विश्वास रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह पर। सच्ची ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो हर एक मनुष्य को क्या करती है, प्रकाशित करती है। जब हम यीशु में आते हैं, जब हम यीशु को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, फॉलो करते हैं, हालेलुया, उद्धार पाते, मन फिराते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो जो ज्योति है परमेश्वर की, वो हमें प्रकाशित करती है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ज्योति है, वो आप ही ज्योति है। हालेलुया, जो कि सबको प्रकाशित करती है। जब हम यीशु के निकट आते हैं तो वही प्रकाश हम पर आ जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। जब ज्योति हम पर चमकने लगती है तो आपके शरीर में चाहे बीमारी हो, चाहे समस्याएं हो आपके जीवन में, परिवार में परेशानी, चाहे वो आपके बाप दादों से भी परेशानी चली आ रही हो, कोई बीमारी चली आ रही हो, लेकिन जब सच्ची ज्योति, जो परमेश्वर, जो ज्योति यीशु मसीह, जब उससे निकलती, जो हम पर पड़ती, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, तो वो सब कुछ सही होने लगता है, ठीक होने लगता है, क्योंकि प्रभु हमें अनंत जीवन देने आया, हमें प्रकाश करने पर, परमेश्वर हमें हमें ब्लेस करने आया है। प्रभु का धन्यवाद, आशीष देने के लिए आया है। जो आज परिस्थिति में, जो आप परेशानी में, जो दलदल की कीचड़ में फंसे हैं, उससे परमेश्वर आपको निकालने के लिए आया है। प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है, प्रभु का धन्यवाद हो। सच्ची ज्योति, परमेश्वर की ज्योति जब आपके पर पड़ेगी तो आप सेम नहीं रहेंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12वां वचन में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम परमेश्वर के पीछे हो लेते तो वो अंधकार में ना चलेगा, प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि अब परमेश्वर की ज्योति आपके पर चमकी है, परमेश्वर की ज्योति आपके पर आ गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। यदि वो ज्योति आपके जीवन में नहीं है, यदि वो परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में नहीं है, तो आज परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वचन में कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। आज आपका जीवन में अंधकार भरी होकर दिखाई देती है, समझ में नहीं आता क्या होगा, कैसे ठीक होगा, लेकिन सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह, जब उसके पास आओगे, उसके पीछे हो लोगे, तो सारे अंधकार की शक्ति आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। चाहे वो तंत्र मंत्र की शक्ति हो, अंधकार की शक्ति हो, परेशानी हो, जब हो सकता है आपके घर में लड़ाइयां, लड़ाइयां, झगड़े, झगड़े, परेशानियां। हालेलुया, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितने भी कष्टों का सामना क्यों ना कर रहे हो, कितने भी परेशानी, जब आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करेंगे,
अपने जीवन समर्पण करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है तब वह अंधकार में ना चलेगा। क्यों? क्योंकि वो अंधकार खत्म हो चुका उसके जीवन में, जब यीशु की ज्योति चमकती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कैसे जो सैटेनिक स्पिरिट है वो कैसे जाती है? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। आज विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि परख कर तो देखो कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। आप हो सकते हैं पहली बार आज की वचन को सुन रहे हो सकता है पिछड़े स्थिति में थे और आज आप परमेश्वर के वचन सुन रहे, परमेश्वर को बदले, आपका जीवन परिवर्तित हो जाए। परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमके। यदि कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, आज उसके ऊपर ज्योति चमकने वाली है। विश्वास करें और विश्वास रिसीव करें उस हीलिंग को, उस पावर को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार भी बदल जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर को बोले, परमेश्वर आप ही मेरी ज्योति हैं, आप मेरी सच्ची ज्योति हैं। आप परमेश्वर नहीं कहता कि दिया जला, कैंडल जला, क्योंकि यीशु तो खुद ही ज्योति है। परमेश्वर क्या है? वो खुद ज्योति है। हम ज्योति को ज्योति दिखाते, हम ज्योति को ज्योति को हम क्या करते, प्रकाश दिखा रहे हैं। परमेश्वर ये सब नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करो। परमेश्वर मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं समर्पित करती हूँ करके बोले अंगीकार के साथ प्रार्थना करें। और जो कुछ आपने गलती, जो कुछ पाप किया है, आप परमेश्वर के सामने सारे पापों को मानकर छोड़ दीजिए। तब परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा और आपके सारे काम सफल होना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु, हमारा परमेश्वर, हमारा ज्योति प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। इस मंथ में आपने लेकर आया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु, आपकी ज्योति इनके ऊपर चमकने पाए, जो पीछे हटे हुए हैं फिर से वापस आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पहली बार आज की वचन और प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से खूब करने में करुणा में प्रभु यीशु दया करना पिता परमेश्वर। अनुग्रह का उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर, अभिषेक को उंडेल दीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में मैं समर्पित करती हूँ हर एक एक जन को पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, मैं सालवेशन की घोषणा करते आपके जीवन के परिवार में यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होकर बदल जाएं यीशु मसीह के समर्थ नाम में। द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूं यीशु राजा, बदल दे पिता परमेश्वर एक एक जन को, आपके पीछे चलने वाले होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूं। जिस घर में जो एक जन उद्धार पाया है और बाकी लोग नहीं पाए, मैं घोषणा करती हूं सालवेशन के उनके घर परिवार में। आपके पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, बोले यीशु मेरी ज्योति है, मैं उसके पीछे हो लूंगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के ऊपर ज्योति चमकने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिनका जीवन बदल जाए, इनके परिवार में सबका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ तो चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ शरीर का दर्द जाए, शरीर की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, जो कितना दर्द सहा, कितनी परेशानी को सहा पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जाओ तो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेदिली बड़ी माटी ने मर्जी उसका छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला, हमारा सब में सब कुछ परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, जय जयकार हो। और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर बीमारी को डांटते आपके जीवन से छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दर्द खत्म हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रब खत्तु रब शांति रड़बक्के, रब खत्तु रब शांति रड़बक्के। तेरा मैं प्रार्थना करती हूँ जाद हो जाए, चंगे हो जाए, हर बीमारी को डांटते आपके जीवन से छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की बीमारी, लाइलाज बीमारी को डांटती हूँ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने ब्लेस कौन डेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, जय जयकार हो, और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब में सब कुछ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने छुटकारा दिया, धन्यवाद करता हूँ। स्किन की एलर्जी जाए, डिप्रेशन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, पैर का दर्द, यदि पैर के सोल्स में जलन होता है, दर्द होता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। आपके गले के दर्द से आजाद हो, चंगे हो जाए। आपके कानों का दर्द जाए, आंखों की रोशनी वापस
समस्या यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, अपने हड्डी की रोग समस्या, हृदय और थोराटिक्स की प्रॉब्लम को डांटती हूँ। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते बोलने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती शुगर बीपी भी कंट्रोल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु। छुटकारा चंगा करने वाला परमेश्वर की स्तुति में मैं तारीफ करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार प्रभु धन्यवाद करती हूँ। इस नए महीने में हालेलुया आपके हर एक काम बनने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ, डॉक्यूमेंट और पेपर को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, और अद्भुत कामों को देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु प्रभु, ब्लेस कर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को आपने सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति महिमा और हम आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की लहू की जय, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं। एक बच्चे को यीशु के लहू में कवर करती हूँ परमेश्वर। सारे बच्चों को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, उनके पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके हाथों की कमाई को ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ और आशीष की घोषणा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु प्रभु, सारे प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आज सबको रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद देना पिता परमेश्वर, इनके सारी जरूरतों को पूरा करके देना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके परिवार के हर एक सदस्य को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। इनके शादीशुदा जीवन में ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु प्रभु की स्तुति है, प्रभु का धन्यवाद हो। जो नशा करते हैं प्रकार के नशे से आजाद हो जा रहे, गंदगी आदतों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने नया जीवन दिया, धन्यवाद करते हैं। आपने अपनी ज्योति को चमकाया, प्रकाश किया सभी लोगों के ऊपर, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अब जल्द आने वाले इसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। और जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो आज के प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें, उन्हें गवाही देना ना भूलें। प्रेयर सेंटर में आप कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपने टाइथ, अपने थैंक्सगिविंग, अपनी ऑफरिंग को, अपने भेंट को ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू या बैंक के थ्रू दे सकते हैं। इस चर्च भवन की जमीन कर प्रार्थना करें, जो परमेश्वर का सब कुछ है। प्रार्थना करें मेरे लिए, मैं परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, और हम परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके, सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके, आगमन के लिए तैयार कर सके परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें आप सभी लोगों को जय मसीह की।